बलूचिस्तान के 3,000 प्रोफेसर्स, गवर्नमेंट मुलाजिमीन, स्टूडेंट लीडर्स और जर्नलिस्टों को फोर्थ शेड्यूल में डाला गया है। अगर हम आज इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनके खिलाफ एविडेंसेस मौजूद है, ये इस बुनियाद पे नहीं किया है कि एक लिस्ट बनाइए कि फला फला को डाल। हमारे मोहतरम वजीर साहब ने वो लिस्ट दे के बगैर सबको पाकिस्तान दुश्मन करार दिया है। अगर हम आज इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनके खिलाफ एविडेंसेस मौजूद है, मैं कई लोगों को जानता हूं जो हुब्बुल वतन है, जो सिर्फ कसूर यह है कि वो कोई राइटर है, कोई लेक्चरर है, आपने उसको भी फोर्थ शेड्यूल में डाला है, वो सारा दिन यूनिवर्सिटी में बैठ के पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा है। कहां पे, किस कानून के तहत आप उनको लाइसेंस देंगे? वो तो ऑलरेडी जब उनकी सिंपैथी है उन लोगों के साथ, तो फिर हम उनको क्यों इस तरह छोड़ दें? अपने आप को वतन समझना और बाकियों को दुश्मन समझना, ये खुद एक दुश्मनी है। अगर ये शौक है तो शौक पूरा करें। वो तमाम लोग किसी भी रियायत के हकदार नहीं है जो इस वक्त बलूचिस्तान में बदअमनी के जिम्मेदार, जो इस वक्त बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को तबाह करने पे तुले हुए। ये बेगुनाह लोगों को आप क्यों फोर्थ शेड्यूल में डाल के उनको बीएलए के हवाले कर रहे हो? मैं मैडम आपकी नोटिस में लाता हूं कि पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के 3,000 प्रोफेसर्स, गवर्नमेंट मुलाजिमीन, स्टूडेंट लीडर्स और जर्नलिस्टों को फोर्थ शेड्यूल में डाला गया है। मैं समझ नहीं रहा हूं कि उनके पे जो चार्जेस लगाए हुए हैं उनको आप जबरदस्ती क्यों धकेल रहे हैं कि जी आप आजादी पसंद है। मैडम मैं आपसे गुजारिश करता हूं सरकार से कि 3,000 लोगों को, जिसमें प्रोफेसर्स हैं, डिप्टी स्पीकर्स हैं और स्टूडेंट्स लीडर्स हैं, ऐसे पुरम लोग हैं, उनको फोर्थ शेड्यूल में डाला है। अब फोर्थ शेड्यूल क्या है? फोर्थ शेड्यूल तो इंतहाई इंटी स्टेट चीज है। तो मैं सीएम साहब नहीं है, आपकी तवसुब से गुजारिश करता हूं कि ये जो 3,000 लोग हैं उनको आप रिविजिट करें कि आप खामखा जितने हुब्बुल वतन लोग हैं उनको क्यों आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये एंटी स्टेट है। वो गवर्नमेंट की तनख्वाह ले रहे हैं और वो एंटी स्टेट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट किसी भी सूरत में, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट में हो, जिस शोबे से ताल्लुक रखते हो, अगर हम आज इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनके खिलाफ एविडेंसेस मौजूद है, ये इस बुनियाद पे नहीं किया है कि एक लिस्ट बनाइए कि फला फला को डाल। जो गवर्नमेंट ऑफिसर है लेकिन वो वहां पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके साथ, उनके सिंपथाइजर हैं, उनके फैसिलिटेटर हैं, कहां पे, किस कानून के तहत आप उनको लाइसेंस देंगे? वो तो ऑलरेडी जब उनकी सिंपैथी है उन लोगों के साथ, तो फिर हम उनको क्यों इस तरह छोड़ दें? हम अगर इस तरह का एहतसाब शुरू नहीं करेंगे कि आप गवर्नमेंट की तनख्वाह ले रहे हो, गवर्नमेंट की मराद को एंजॉय कर रहे हो, आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ले रहे हैं, बाहर ममालिक में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे यहां पे डॉक्टर्स बन रहे हैं, लेकिन आप स्टेट के खिलाफ। आज ये वक्त की जरूरत है कि हमने तमाम चीजों को बालाए ताक रख के, सियासत को बालाए ताक रख के इस चीज का फैसला करना है कि हमने इस मुल्क को बचाना है या फिर इसी तरीके से चलाना। लिहाजा मैडम स्पीकर, वो तमाम लोग किसी भी रियायत के हकदार नहीं है जो इस वक्त बलूचिस्तान में बदअमनी के जिम्मेदार, जो इस वक्त बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को तबाह करने पे तुले हुए, जो मासूम लोगों को शहीद कर रहे हैं और हम उनको सपोर्ट करें? बिल्कुल
कोई ऐसा शख्स जिसको इलीगली इस लिस्ट में शामिल किया है उसका बिल्कुल हम कमेटी बनाते विजिट करते कि अगर उसके खिलाफ एविडेंसेस है फिर हम सब एक जबान होकर छानबीन करें, फिर जो भी है जिसका काका मामा है जिसका रिलेटिव है वो फिर डिसऑन करे कि ये मेरे मुल्क के खिलाफ है मेरे वतन के खिलाफ है लिहाजा मैं इसको डिसऑन करता हूं। उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो यहाँ के रिसोर्सेज को इंजॉय करे फिर हमारे खिलाफ रियासत के खिलाफ बातें करे। लिहाजा इस हवाले से गवर्नमेंट का क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो हमारी पॉलिसी है इस हवाले से चाहे जहां पे इनके फैसिलिटेटर और सिंपथाइजर्स हैं हम किसी भी सूरत में उनको नहीं छोड़ेंगे। हमारे मोहतरम वजीर साहब ने वो लिस्ट दे के बगैर सबको पाकिस्तान दुश्मन करार दिया है। मैं एक मिसाल देता हूं, पीएसओ पजार का चेयरमैन जो प्रो फेडरेशन है नेशनल पार्टी का दो वो है सपोर्टर है, आपने उसको भी फोर्थ शेड्यूल में डाला है, वो सारा दिन यूनिवर्सिटी में बैठ के पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा है। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आपने उस लिस्ट को देखा है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो हुब्बुल वतन है, जो सिर्फ कसूर यह है कि वो कोई राइटर है कोई लेक्चरर है। अब इन हर चीजों को अपने आप को वतन समझना और बाकियों को दुश्मन समझना ये खुद एक दुश्मनी है। अगर ये शौक है तो शौक पूरा करें।